Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज दिन के 11 बजे से, बिकॉज़ वीकेंड था। वीकेंड में मॉर्निंग थोड़ी सी लेट ही होती है और यहाँ पे बस अभी हम उठे थे। तो आजकल वैसे भी थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ी सा लेजीनेस जो है ना वो हो रही होती है। तो काफ़ी वैसे अच्छा हो रहा है मौसम जो है ना। सर्दी तो बिल्कुल नहीं है अभी, लेकिन ये है कि ज़रा सर्दियों से पहले की वो जो फीलिंग्स होती हैं ना आमद वाली, वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो खैर, यहाँ पे जो है वो अभी हम उठ गए थे और आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह बहुत ही यू नो आई वाज फीलिंग वेरी लो। तो बस यहाँ पे जो है उठने के बाद सबसे पहले क्या काम होता है कि बेड बना लेती हूँ मैं, क्योंकि जब इसी तरह से छोड़ के किचन में आ जाते हैं ना, तो किचन में फिर यू नो आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट बनाओ, कुकिंग और काम शामों में बंदा लग जाता है और फिर वैसे ही रूम रह जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह उठने के बाद जो है वो रूम में जितनी भी चीज़ें होती हैं समेटने वाली छोटी मोटी, उनको सेट करके, बिस्तर वगैरह सेट करके, बेड बना के फिर ही मैं बाहर आऊँ। और आजकल विंडो ओपन करके ना कर्टन्स हटा के विंडो भी ओपन कर देती हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी जो हल्की हल्की ठंडी हवाएं वगैरह चल रही हैं उनके असरात घर के अंदर भी आने चाहिए, क्योंकि घर के अंदर तो अभी अच्छी खासी ना वो सम टाइम गर्मी महसूस हो रही होती है और बाहर थोड़ी हवा वगैरह चल रही होती है। खैर, यहाँ पर उसके बाद जी यहाँ पर मैं फ़्रेश हो गई, किचन में आ गई और किचन में रात को जो है ना वो मैंने चूल्हे के जो सारे क्या कहते हैं लवाजमात जो है ना, इनको मैंने वॉश करके रखा था, चूल्हा भी साफ किया था। क्योंकि किचन का जो काम है ना, वो मेरी कोशिश होती है कि रात को मैं ख़त्म करके ही सोती हूँ, कभी भी ऐसा गंदा किचन छोड़ के ना मैं नहीं सोती हूँ। बर्तन वगैरह धो के रात को और सारे जो है वो साफ सफाई करके किचन की, अगर चूल्हा साफ़ करने वाला है तो वो भी करके तो फिर ही करती हूँ। तो अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना मैंने रात को वॉश करके रख दिए थे सारे, तो अभी जो है ना इसको यहाँ पर बस सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए एक अदद मॉर्निंग ड्रिंक, के थोड़ा सा यू नो एनर्जेटिक फील करने के लिए। सुबह सुबह आई डोंट नो इतना लो एनर्जी और इतना फील हो रहा था लो, और मैंने यहाँ पे चिया सीड्स डाले हैं, इसमें हनी डाला है, लेमन मेरे पास था नहीं, तो नीम गर्म पानी में डाल के ना ये मैंने बनाया है। तो बस यहाँ पर ये मैं पी लूँगी, थोड़ा अच्छा फील होता है इससे ना, काफ़ी एकदम से एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। और उसके बाद बच्चे भी बस फ्रेश होके आ गए थे बाहर, और यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं है, बहुत ही हेल्दी सा और इजी क्विक सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरा कुछ भी खास करने का जो है ना वो मूड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास ये थे जी मल्टीग्रेन ब्रेड पड़ी हुई थी, इसको ना बटर के साथ हल्का सा टोस्ट कर लिया है। उसके साथ सिंपल एग बनाया था मैंने, कोई वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं करी इसमें, तो बस ये रख दूँगी और दूसरी साइड पे हल्की सी मैं लगा के ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आए। तो बस ये इस तरह से जो है ना लाइट से ये सैंडविच टाइप बना के ना बच्चों को दे दूँगी मैं। बच्चे मेरे पराठे जो है ना वो खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़रा चेंज करके देती रहूँ ना, बिल्कुल डेली एक ही चीज़ आप करें ना तो खुद भी बोर हो जाते हैं और बच्चे भी बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज जो है ना वो करती रहती हूँ। तो इस तरह से बस ब्रेड पे कभी कुछ लगा दिया, कभी कोई कबाब वगैरह रख के सैंडविच टाइप बना दिए, कभी कभी पराठे भी हम बना लेते हैं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर के मूड कैसा है आपका, और उस हिसाब से फिर जो है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा चलें बच्चों को थोड़ा सा एप्पल भी दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एप्पल भी कट कर लिया था, साथ में बच्चों को एप्पल दे दूँगी, मिल्क वगैरह भी दूँगी। और मेरा जो है ना बिल्कुल भी
कुछ हैवी नहीं था मूड ब्रेकफास्ट करने का, कुछ लाइट और ठंडा सा दिल चाह रहा था। तो मैंने सोचा ये मेरे पास क्या कहते हैं इनको, जापानी फल ये रखे हुए थे और ये ठंडे हुए हुए होना सुबह सुबह वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं आजकल। तो बस ये मैंने अपने लिए कट कर लिए थे, साथ में बच्चों के लिए मिल्क डाल दूँगी। और ये जो बॉटल्स आप देख रहे हैं ये मैंने मंगवाई थी दराज से, बच्चे जो है ना वो ज़रा खुश हो के दूध वगैरह पी लेते हैं इस तरह की चीज़ों को देख के ना, तो बस बच्चों के लिए मैंने ये मंगवाई थी दराज से, ऑर्डर की थी। और बस बच्चे जो है ना वो खुश होके पी लेते हैं दूध वगैरह, इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं बंद हो जाते हैं इस तरह से ना, तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने एक साइज़ बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा फ़ान और खदीजा के लिए मंगवाए थे। बस नाश्ता वगैरह यहाँ पे हमारा हो गया था, उसके बाद बस थोड़े से जो बर्तन थे मैंने कहा चलें साथ ये भी धो लेती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा बिठाती हूँ मैं, बच्चे जो है ना इस टाइम पे कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, जैसे कुछ ड्राइंग वगैरह कलरिंग वगैरह कर लेते हैं, साथ में कुछ स्टडी वगैरह करनी होती है तो वो बस काम शाम भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके साथ बस यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया और हम करने गए थे थोड़ी सी वॉक। और क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा और दिल करता आजकल बाहर थोड़ा सा शाम को ना, तो असर के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा राउंड लगाने। फिर राउंड लगाते लगाते फिर स्टोर से कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी, वो भी हमने कहा चलें शॉपिंग भी करते जाते हैं। तो सौंफ मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी और आजकल सम टाइम कहवा बनाना पड़ता है ना, ज़रूरत पड़ जाती है और उसके लिए सौंफ ज़रूरी है, तो सौंफ मेरे पास नहीं थी तो बस वो मैंने ले ली। और छोटी मोटी कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी छोटी छोटी। तो उसके साथ यहाँ पर जो है ना हम लेकर आए थे नान पकौड़ा, तो वहाँ पर एक अंकल ने ना लगाया हुआ था साइड पे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी ना दूर दूर तक। तो हमने सोचा चलें लेकर जाते हैं ट्राई करेंगे, बच्चे कह रहे थे ये क्या चीज़ है, तो मैंने सोचा चलें बच्चों को ज़रा आज नान पकौड़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बस वो एक लेकर आए थे, साथ में एक प्लेट हमने दही भल्ले की ली थी। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें ज़रा मैं अरेंज करके सेट करके अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। बस चीज़ें वगैरह सेट करके अरेंज करके मैंने रखती थी, उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हम बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। वैसे तो आज का दिन बहुत ही थोड़ा लेज़ी और बोरिंग टाइप था, बिकॉज़ कुछ खास नहीं करने को था, लेकिन हमने जो है ना सोचा चलें थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए बाहर निकल गए थे वॉकशॉप करने, फिर वापसी पे ये थोड़ा सा कुछ खाने पीने को लेकर आए। आजकल शाम के टाइम ना थोड़ी सी क्रेविंग हो रही होती है कुछ इस तरह की चीज़ों की, गर्मा गर्म और मज़ेदार टाइप ना।
अच्छा फिर आपने देखी? अच्छा नहीं है, चली गई, लगता है भाग गई है ना। चलो डोर बंद कर दो, बस डोर बंद कर दो। नहीं बस ठीक हो गया, चलो अंदर चलें। चलो दीजा आप भी, और तुम यहाँ चल फिर के खा रही हो खाना है।